क्या हुआ, बरसात में भीग गए क्या? किसका? शंकर का पाठ। अच्छा, पार्ट नहीं है वो कहते हैं, कर्मेंद्रियों के आधार पर कोई पार्ट नहीं है, क्योंकि पार्ट कर्मेंद्रियों से बजाया जाता है। और जो कर्मेंद्रियों से पार्ट बजाया जाता है वो कोई पार्ट तो देखने में आता है, क्योंकि रंगमंच पर पार्टधारी पार्ट प्ले करते हैं तो देखने में भी आता है। कोई पार्ट ऐसा होता है देखने में नहीं आता, और देखने वाला अगर देखता भी है तो जरूरी नहीं है उसकी बुद्धि में समझ में आ जाए। जैसे सूर्य मंदिर में, कोणार्क मंदिर में, जगन्नाथ मंदिर में देवताओं के गंदे गंदे चित्र बने हुए हैं, आज की भ्रष्टाचारी गवर्नमेंट में तो क्या द्वापर युग की लगभग सतो प्रधान सतो सामान्य गवर्नमेंट थी, उसमें भी ये ताकत नहीं थी कि उन चित्रों को मंदिरों से बाहर निकाल करके फेंक दे, नेस्त नाबूद कर दे। तो जरूर कुछ समझने की बात है। ऐसे नहीं, ये मन रूपी ग्यारहवीं इंद्रिय से जो पार्ट बजाया जाता है संकल्पों के आधार पर वाइब्रेशन को कंट्रोल किया जाता है, वो कोई पार्ट नहीं है। अगर पार्ट न होता तो शंकर के लिए टाइटल नहीं दिया जाता कि शंकर द्वारा विनाश। हाँ, दस इंद्रियां दिखाई देती हैं, परंतु उन दसों इंद्रियों को कंट्रोल करने वाली जो ग्यारहवीं इंद्रिय है, मुखिया है, जिसके प्रवृत्त होने के बगैर कोई भी कर्म इंद्रिय का कर्म बंधन नहीं बंधता, वो ग्यारहवीं इंद्रिय आंखों से दिखाई नहीं देती है। लेकिन उसके कार्य को जो मनीषी जन हैं वो ही देख पाते हैं तीसरे नेत्र से, और तीसरा नेत्र ब्राह्मण बच्चों को ही मिलता है, दुनिया वालों को नहीं मिलता है। ब्राह्मण बच्चे चाहें तो तीसरे नेत्र का उपयोग करके शंकर के उस वंडरफुल पार्ट को देख सकते हैं। जो जनरल ब्राह्मणों को दिखाई नहीं देता, दुनिया वाले तो देख ही नहीं सकते, क्योंकि उन्हें तो परिचय ही नहीं है कि शिव अलग है शंकर अलग है। तो पहचान न होने के कारण दुनिया वालों की तो बात ही नहीं,
हाँ जनरली ब्राह्मणों ब्राह्मण बच्चों के लिए जनरली ये बोल दिया कि शंकर का तो कोई पार्टी नहीं कर्मेंद्रियों से। वो तो सूक्ष्म बतन में रहने वाला, सूक्ष्म बतन में कर्मेंद्रियां कहां से आवेंगी। और फिर मैं बोल दिया सूक्ष्म बतन तो होता ही नहीं, सूक्ष्म बतन तो साक्षात्कार मात्र है, और साक्षात्कार तो भक्तों को होता है, ज्ञानियों को तो साक्षात्कार की दरकार ही नहीं। आज की मुरली में भी बोल दिया कि ज्ञानी तो संपूर्ण एक शिव बाबा ही है 100%, तो बाकी सब क्या हुए, सब भक्त हो गए, सब अज्ञानी हो गए। इसलिए सबको कुछ न कुछ शंकर के बारे में संशय आता रहता है। तो मुरली में बोल दिया इस संशय वाली सच्चाई को कि शंकर का पार्ट ऐसा वंडरफुल है जो तुम बच्चे भी समझ नहीं सकते, अभी नहीं समझ सकते, ऐसे थोड़े ही कि लास्ट स्टेज तक समझ ही नहीं सकेंगे, ऐसी भी स्टेज आवेगी जो राजयोग की स्टेज को क्रॉस करेंगे, संपन्न राजयोगी बनेंगे और शंकर के पार्ट को भी समझ जावेंगे। फिर निश्चय अनिश्चय के इतने दोले नहीं आवेंगे जो अभी आते रहते हैं। और अदालत में अगर लंबित मामले कम है तो मामलों का निपटान जल्दी हो जाता है तो अच्छा माना जाता है। हमारे आत्मा में मामले हैं किस जन्म पर इस पर निर्णय नहीं हो पाता है। जो दुनिया में है वो ही हमारी ब्राह्मणों की दुनिया में है, जो दुनिया में ड्रामा चलता है वो ही ब्राह्मणों की दुनिया में शूट होता है, कुछ दूसरा शूट होता है, है? वो ही शूट होता है। जो हद में है वो बेहद में भी है, बेहद की बात सबको समझ में नहीं आती है और हद की बातें हद की दुनिया वालों को समझ में आ जाती है। सिर्फ इतना ही अंतर है। और उधर ध्यान से, मैं तो सुनाई नहीं पड़ता, वो धीरे से बोल रही। इसका बेहद में क्या अर्थ है? भारत के अलावा दुनिया में कितने देश होंगे? माला में तो मुख्य मुख्य देशों के बीज रूप दिखाए गए हैं,
108 की माला है तो 108 बीज रूप आत्मा दिखाई गई है। लेकिन आज की दुनिया में तो ढेर के ढेर देश हैं जिनकी संख्या 150 से भी ऊपर हो गई है। तो बेसिक वालों के सामने अव्यक्त बाप दादा की वाणी चलती है, उसमें हद की बात बताई कि 90 देशों से आए हैं प्रतिनिधि के रूप में। यहां वो बेहद की बात लागू हो जाती है, माने एडवांस ज्ञान में कितने देशों की बीज रूप आत्माएं आ गई, 90 देशों की बीज रूप आत्माएं उपस्थित हो गई, ये समझ लेना चाहिए। तो कम से कम अभी कितने और आने चाहिए, 18 देशों की और आना चाहिए और क्या हुआ, बरसात बंद हो गई, घर जाने का टाइम आ गया। हाँ, ब्रह्मा के चार मानस सूत्र बताए। हाँ जी, दादा लिखा ब्रह्मा के सूत्र उनकी पैदाइश हुई थी ऐसा बताया। तो उनकी पैदाइश हुई संकल्पों के द्वारा। कौन सा ब्रह्मा है जो 60 साल की एज में 40 साल ऐड कर दिए जाए और 100 साल की एज पूरी होती है तो संपूर्ण ब्रह्मा कहा जाता है, और उस संपूर्ण ब्रह्मा से चार मानस पुत्रों की पैदाइश होती है सन 76 में। वो कौन सा ब्रह्मा है? है प्रजापिता ब्रह्मा है। दादा लेखराज ब्रह्मा की 100 साल की आयु तो सन 87-88 में पूरी होती है, जिस वर्ष में उनका अव्यक्त पार्टी बंद हो गया था। सारी ताकत एडवांस में लगा दी, इतने जोश में थे, इतनी उनकी सात्विक स्टेज थी कि बेसिक का माया मोह सारा ही भूल गए। फिर बाद में तो वो भी आत्मा सतो रजो तमो में आना निश्चित है। तो जो चार मुख्य धर्मों की बीज रूप आत्माएं हैं, जिन्हें राम के चार भाइयों के रूप में बोला गया है, अथवा ब्रह्मा के पहले पहले चार मानस पुत्र बताए गए हैं, वो तो सन 76 की बात है। बाकी ब्रह्मा तो अनेकों के नाम है, उनकी मनसा की स्टेज नंबरवार है।
वही धर्म थोड़े ही है, वो तो अधर्म है, वो 100% अधर्म है, वो धर्म है ही नहीं। धर्म माने धारणा, और मुख्य धारणा किस बात की होती है, है? पवित्रता की। और उस धर्म में तो पवित्रता का नाम निशानी नहीं है। बच्चा पैदा हुआ नर्सिंग होम में डाल दिया, पैदा होने के बाद ही नर्सिंग होम, थोड़े दिन की छुट्टी मिलती है माँ को, बाकी अपने काम पे जाओ, देश की सेवा करो। बच्चा शैशव काल में आता है, उसको नर्सरी स्कूल में डाल दिया जाता है, हॉस्टल में डाल दिया जाता है, वहां भी कोई कनेक्शन नहीं रहता, वो माँ बाप का प्यार मिलता ही नहीं। जैसे संबंधों का कोई सुख नहीं, बच्चा और बड़ा होता है स्कूल में डाल दिया जाता है, वहां भी हॉस्टल, स्त्री पुरुष का कोई अंतर नहीं। ऐसे नहीं गर्ल्स स्कूल अलग होते हैं, बच्चे बड़े हो जाते हैं कॉलेज में चले जाते, वहां भी कोई अलग से गर्ल्स कॉलेज नहीं, टोटल नीचे से लेकर ऊपर तक को एजुकेशन, पढ़ाई पूरी होती है ट्रेनिंग में चले जाते, वहां भी कोई गर्ल्स हॉस्टल नहीं होते हैं, सारा ही को एजुकेशन। अब बताओ बच्चा बड़ा हो जाएगा, बच्ची बड़ी हो जाएगी, सर्विस फील्ड में जाएगा जाएगी, वहां सर्विस फील्ड में पहुंचने के बाद उसको माँ और बाप का पता चलेगा, है? अपनी बहन का पता चलेगा, अपने भाई का पता चलेगा? जानवरों में क्या होता है? जैसे जानवर होते हैं वैसे मनुष्य की जिंदगी हो गई, कोई संबंधों का रस नहीं, कोई संबंधों की प्योरिटी नहीं। विचार ही विचार पनपता है, विचार को पवित्रता नहीं कहा जाता, वो टोटल अपवित्रता है। विचार माने वैश्यालय, अब विचार माने शिवालय। विचार माने अपवित्रता, पवित्रता माने शिवालय, अब विचार वो ही धारणा है, ज्ञान की धारणा नहीं। जैसे पवित्रता और पवित्रता की कोई धारणा नहीं, पवित्रता क्या चीज है, पवित्रता क्या चीज है, कोई ज्ञान नहीं। उनको जानवरों की जिंदगी कहा जाता है। ऐसे जानवर ज्ञान लेंगे क्या? उनको ज्ञान की दरकार ही नहीं। बाकी जो 9 धर्म है वो फिर भी नंबरवार ज्ञानी बनते हैं।
उन नौ धर्मों की चुनी हुई श्रेष्ठ श्रेष्ठ आत्माएं संगम युग में आकर के ब्राह्मण बनती है। उन ब्राह्मणों की नौकुरियां बनती है। जो नंबर भार सतयुग में नौ नारायणों के राज्य में आते हैं, वो ही नौ प्रकार के ग्रुप द्वापर युग से और धर्मों में नंबर वार कन्वर्ट होते रहते हैं। इससे साबित हो जाता है कि नास्तिक धर्म उसका नाम क्यों पड़ा है, ना आस्तिक ना आस्था, उनको कोई पे विश्वास नहीं है, कोई के ऊपर आस्था नहीं है। राजाओं के ऊपर तो आस्था नाम मात्र को भी नहीं है। जब से दुनिया में नास्तिकों की शुरुआत हुई रशिया में, तब से राजाओं का कत्लेआम हो गया। भगवान आकर के जो पढ़ाई पढ़ाता है, राजाई स्थापन करता है, उस राजाई का वो खात्मा कर देते हैं। भगवान माने आस्था, नास्तिकों में तो आस्था का नाम निशान नहीं है। अहंकारी अहंकार, प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन चलता है टोटल। जब से लेनिन और स्टालिन आए, तब से दुनिया में हर देश में ये प्रजा के ऊपर प्रजा का शासन बढ़ने लगा। देश देशांतर में राजाई समाप्त हो गई। अब ये नास्तिकों का जो मतलब कम्युनिस्ट जो गवर्नमेंट है भारत में, बंगाल में खास कम्युनिस्ट का ज्यादा है बाबा, ऐसा क्यों? कम्युनिस्ट भी दो प्रकार के हैं, एक भारतीय कम्युनिज्म और एक मार्क्सवादी। जो भारतीय हैं वो फिर भी आर्य समाजियों से मिलते जुलते हैं, क्योंकि भारत में नास्तिकता की शुरुआत होती है। आर्य समाज में ही नास्तिकता भरी पड़ी है। वो निराकार को मानते हैं, साकार को भगवान मानते नहीं। वहीं से आधी नास्तिकता शुरू हो जाती है। तो भारतीय कम्युनिज्म तो फिर भी अच्छा है,
जय जगन्नाथ सीरियल बुद्धि में घूम रहा है, उस जय जगन्नाथ में दिखाया गया है कि जगन्नाथ को जगन्नाथनी ने लक्ष्मी ने श्राप दे दिया बारह वर्ष दुनिया में जंगल में भटकते रहो। बारह वर्ष भटकते भटकते भूखे प्यासे रहते रहते परेशान परेशान हो गए। बारह वर्ष तक तप्त होकर उनको भोजन नहीं मिला। क्या नहीं मिला है? भोग नहीं मिला। जब बारह वर्ष पूरे होने पर आए तो किसी ने रास्ता बता दिया कि समंदर के किनारे एक महल है, वहां कोई विदुषी भंडारा लगाए बैठी रहती है, सबको भरपेट भोजन मिलता है। तो भूखे प्यासे होने के कारण दौड़ गए उधर। उनका झगड़ा इस बात पर शुरू हुआ कि लक्ष्मी जी किसी शूद्राणी के यहां जाकर के भोग स्वीकार कर लिया, तो बलराम नाराज हो गए। लक्ष्मी ने अधर्म का काम किया है, इसको प्रसाद से बाहर निकाल दिया जाए, नहीं तो मैं बाहर चला जाऊंगा। तो जगन्नाथ को बरबस लक्ष्मी को निष्कासित करना पड़ा। बारह साल का वनवास धारण करना पड़ा। जब वापस लौट रहे थे लक्ष्मी के प्रसाद में, अनजान में, तो वहां भी अहंकार आया कि हम अपने हाथ से बना हुआ भोजन खाएंगे। दूसरे का हाथ का बना हुआ भोजन नहीं खाएंगे। तो लक्ष्मी ने ये बात सुनी तो दास दासियों को वो भी प्रबंध कर दिया, ये बर्तन ले जाओ, ये अनाज ले जाओ, ये सब्जी ले जाओ और उनको अपने हाथ से बनाने खाने दो। तो बलराम और जगन्नाथ ने भोजन बनाना शुरू किया। उसमें दिखाया है जो माता जी ने पूछा, एक बार रिपीट कर दीजिए, क्या पूछा? हाँ, चूल्हा जल नहीं रहा था, माने चूल्हे में आग नहीं लग रही थी, लकड़ी भीगी हुई थी। ज्ञान जल से लकड़ी भीग जाती है ना, बाबा कहते हैं ना,
ज्ञान जल बुद्धि में इतना सराबोर होना चाहिए कि तुम्हारी कर्मेंद्रियां शीतल हो जाएं। तो लकड़ी भीगी हुई ज्ञान जल से, अब चूल्हा कहां से जलेगा? तो चूल्हा जलता नहीं, लकड़ी भीगी हुई और धुआं बहुत उठ रहा है। तो माता जी तो समझ ही गई होंगी लकड़ी क्या होती है और चूल्हा क्या होता है। चूल्हे में आग लगती है ना, वो आग लगी नहीं रही थी, काम आग नहीं की भाई, तो आग कहा जाता है ना, तो आग ही नहीं जल लग रही थी, तो भोग कहां से तैयार होगा। और धुआं इतना उठ रहा था ग्लानी का कि चारों तरफ धुआं ही धुआं हो गया। कहां की बातें हैं? हैं ब्राह्मणों की दुनिया की बातें हैं। माता जी को समझ में नहीं आया इसलिए पूछा, है ना? अब तो समझ में आ गया ना, और क्लियर करें? नहीं, और बाबा ये कुदरती वनरत में हजारों लाखों लोग मर जाते हैं। कहाँ? इधर नीचे बाबा। कुदरती वनरत होती है कभी कभी, और इसमें हजारों लाखों लोग एक साथ मर जाते हैं। क्या होती? बारिश में कुदरती आपदा में। हाँ, तो वो सब वो आत्माएं सब मर चली जाती है, तो एक साथ उसको कहीं जन्म तुरंत मिल जाता है, को वेटिंग में रहना पड़ता है उसको। जो अकाले मौत मरते हैं वो भूत प्रेत बनते हैं, जो सामान्य मौत मरते हैं उनको तुरंत उसी सेकंड शरीर धारण करना पड़ता है। अभी तो कम आपदाएं आ रही हैं, आगे चल करके जय अब एटम बम फटेंगे तो पृथ्वी दोलायमान हो जाएगी, और इतने भूकंप आने शुरू हो जाएंगे जो सारी दुनिया में मौत का बाजार लगेगा। कितनी प्रेतात्माएं तैयार हो जाएंगी? सारे वायुमंडल में मंडराएंगे। जिनकी आत्मिक स्थिति पक्की होगी वो ही उनके प्रभाव से बच सकेंगे। और जिनकी आत्मिक स्थिति कच्ची होगी उनके ऊपर उन आत्माओं का प्रभाव पड़ जाएगा। इसलिए सारी दुनिया की जो बीज रूप रुद्रमाला है वो रुद्रमाला के बीज रूप मण के उनकी यादगार रुद्राक्ष में दिखाई जाती है। वो रुद्राक्ष के मण के अनेक मुख वाले होते हैं, होते हैं नंबरवार, एक बीज ऐसा है जो एक मुख वाला है। और बाकी जितने भी बीज हैं, कोई दो मुख वाले, कोई तीन मुख वाले, कोई चार, कोई आठ, कोई अनेक से अनेक मुख वाले,
जिनमें अनेक प्रकार की आत्माएं प्रवेश करती हैं, कभी कभी इकट्ठी भी प्रवेश कर जाती हैं। और प्रवेश करके उनका अंदर ही अंदर आपस में द्वंद्व चलता रहता है। उनमें जो पावरफुल होती है उसी के अनुसार शरीरधारी को काम करना पड़ता है। इतनी भयंकर स्थिति हो जाती है। अभी तो ये छोटे छोटे हादसे हो रहे हैं, तब प्रेतात्माओं का इतना जबरदस्त प्रभाव देखने में आ रहा है। पचास परसेंट तो बीमारियां ऐसी हैं जो प्रेतात्माओं के प्रभाव से हो रही है। आज की आधुनिक मशीनें निदान भी नहीं निकाल पा रही, मरीज को मशीनों में डाला जाता है, नॉर्मल नॉर्मल नॉर्मल। डॉक्टर और वैद्य अनुमान के आधार पर दवाइयां देते रहते, ये दवाई खा के देखो फिर आना, फिर जाओ फिर दूसरी दवाई दे देंगे, ये दवाई खा के देखो फिर आना। उनको पता ही नहीं लगता कि ये प्रेत आत्माओं का चक्कर है। जो औलिए हैं उनकी पौवारा हो जाती है। औलिए वही आत्माएं बनती हैं जो भूत प्रेत आत्माओं की पूजा करती हैं। जो गीता में लिखा हुआ है, मेरी पूजा करने वाले, मेरी उपासना करने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। मैं ऊंचते ऊंच हूं तो ऊंचते ऊंच पद दिलाता हूं, फिर मेरे बाद हैं देवी देवताएं। जो देवी देवताओं की उपासना करते हैं वो देवताओं को प्राप्त होते हैं, उनके भी नंबरवार पद। फिर तीसरे नंबर के थर्ड क्लास वो हैं उपासक जो भूत प्रेतों की पूजा करते हैं। उनमें ये औलिए भी हैं, ये भूत प्रेतों की सिद्धि करके कमजोर भूतों को कंट्रोल में करा लेते हैं। जो पावरफुल भूत को कंट्रोल करता है वो बड़ा औलिया माना जाता है। और हम बच्चे तो हैं भूतनाथ के बच्चे। वास्तव में ये सारी दुनिया के भूत प्रेत हमारे कंट्रोल में होने चाहिए। लेकिन माया हाथ धो करके हमारे पिछाड़ी पर ही है। हमारे पुरुषार्थ को संपन्न स्टेज में पहुंचने नहीं देती है। और हम हिम्मत हार करके बैठ जाते हैं।
या समय का इंतजार करते हैं। आज विनाश होता है कि कल विनाश होता है कि परसों विनाश होता है, ये विनाश कब शुरुआत होगी जो हमारी राजधानी स्थापन हो जावे और हम शरण ले लेवे। पार्वती के कहने से हुआ, पार्वती ने कहा हाँ तुम सब पार्वतियाँ हो। सबको क्या बोला है? पार्वती, पार्वती माने पार लगाने वाली। तो सबसे बड़ी पार्वती कौन? है लक्ष्मी। अच्छा सेवा आता है तो किसका आधार लेता है? है लक्ष्मी का आधार लेता है या जगदम्बा का आधार लेता है दुनिया को पार लगाने के लिए? मुख्य आधार किसका लेता है? है प्रजापिता ब्रह्मा का आधार लेता है। इसलिए मुरली में कहा है शंकर पार्वती की जोड़ी नहीं कहेंगे, क्या शंकर पार्वती तो भाई बहन है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी है। वास्तव में ये शंकर है मेरी जोड़ी। मैं जब आता हूं तो ज्ञान सुनाने के लिए, ज्ञान से सदगति होती है ना, तो सारी दुनिया को पार लगाने के लिए किसका आधार लेता हूं? है प्रजापिता का आधार लेता हूं। उसको बोला है नेक्स्ट टू गॉड इज प्रजापिता। वो अधूरा पुरुषार्थी रूप है, संपन्न पुरुषार्थी है। नेक्स्ट टू गॉड इज शंकर, इसलिए सेवा शंकर को मिलाकर के एक कर दिया है। तो मूल जोड़ी कौन सी हुई? सेवा और शंकर की जोड़ी मूल है। तो मूल पार्वती कौन हुई? जब ब्रह्मा के मुख से बोला तुम सब पार्वतियां हो, तो क्या माताओं कन्याओं को ही बोला? भाइयों को नहीं बोला है? भाइयों को भी बोला। और अगर भाइयों को भी बोला तो बाबा जो सामने भाई लोग बैठे होते थे उन्हीं के लिए बोलते थे या इमर्ज करके भी बोलते थे? इमर्ज करके भी बोलते थे। तो इमर्ज करने वालों में भाइयों के बीच में वो मुख्य भाई बाबा की नजर में कौन होता था? राम वाली आत्मा। तो जरूर राम वाली आत्मा की बुद्धि में ये बात आई होगी। क्या क्या बात आई होगी? अरे सन 76 होता है
एडवांस ज्ञान की शुरुआत होती है मनसा के आधार पर, नई दुनिया की शुरुआत होती है तो सूर्य पुत्री यमुना निकलती है। काली नदी वो भी धोखा दे जाती कि साथ निभाती है, वो भी धोखा दे जाती। तो प्रजापिता का पाठ तो प्रवृत्ति मार्ग का है या निवृत्ति मार्ग का है? प्रवृत्ति मार्ग का पक्का है। वो बिना प्रवृत्ति के तो रह ही नहीं सकता। तो यमुना नदी गई तो फिर कौन सी आती है? है नहीं, गंगा आती है। गंगा के लिए क्या बोला है? ज्ञान गंगा कब निकली? है अंत में निकली। अंत के बारे में क्या गायन है? जो आदि सो अंत। तो यमुना की बुद्धि में तो ज्ञान बैठता ही नहीं। अगर बैठा होता तो महीने दो महीने साथ निभा करके न भाग जाए। धोखा ना दे जाए। गंगा की बुद्धि में बैठता है। यमुना के मुकाबले गंगा नदी तो बहुत पवित्र मानी जाती है। वो पवित्रता बुद्धि के आधार पर पवित्रता मानी जाती है, शरीर के आधार पर भी पवित्रता मानी जाती है। तो जरूर कोई ऐसी कन्या निकलती है सात्विक स्टेज में एडवांस ज्ञान सुना करके, जिसके कान पूर दिए जाते हैं। जिसकी यादगार में उन नगरी का नाम क्या पड़ता है? कानपुर नगरी। गंगा नदी जहां पहले पहले कचरे को धारण करती है, कारखानों का कचरा कानपुर से शुरू होता था। ऐसे तो कचरे की शुरुआत फर्रुखाबाद से ही हो जाती है। लेकिन फर्रुखाबाद में बड़े बड़े वो कारखाने नहीं है जिनका मलबा गंगा नदी में गिरता हो। अभी की बात भी नहीं है, अभी तो हरिद्वार में ही मलबा डालना शुरू कर दिया। तो उस समय की बात है, अठहत्तर की, जब संपूर्णता वर्ष पूरा हुआ, सन 77, 78 की शुरुआत हुई एडवांस ज्ञान सात्विक स्टेज में था। वो सात्विक स्टेज का ज्ञान गंगा ने धारण किया। परंतु गंगा नदी सन्यासियों को पालने वाली है, सपोर्ट करने वाली है,
यह गृहस्थियों को सपोर्ट करने वाली है, सन्यासियों को सपोर्ट करने वाली है। इसलिए जो साथ देना चाहिए वो साथ नहीं दे पाई आदि में, इसलिए मुरली में बोला है गान गंगाएं निकली हैं अंत में। फिर बाद में निकलती है 83-84 में 84 घंटे वाली देवी, जिसके लिए बोला है 83 में 13 होना चाहिए। न यमुना नदी तेरी हुई, न तत्कालीन ब्रह्मा कुमारियों में से कोई तेरी हुई, न गंगा तेरी हुई। कौन हुई तेरी? जगदम्बा तेरी हुई। और वो जगदम्बा लंबे समय तक सतो प्रधान प्रकृति का पाठ बजाती हुई, सतो सामान्य प्रकृति का पाठ बजाती हुई द्वापर युग की राजसी स्टेज में जब पहुंचती है तो द्वापर युग की शूटिंग पूरी होते होते जगत पिता का पार्ट बजाने वाले प्रजापिता से अलग हो जाती। जो मुरली में बोला है कि मेरे साथ लंबे समय तक रहने वाले बच्चे भी मेरे को नहीं पहचान पाते, तो जगदम्बा भी पूरा साथ नहीं निभा पाती। मुरली में तो बोला है भारत में एक स्त्री मर जाती है तो कहते हैं एक जूती गई, दूसरी ज्योति लेते हैं, ऐसे करते 3-4 भी बदल देते हैं। ये ब्रह्मा भी पुरानी ज्योति है, तो ये ब्रह्मा तुम्हारी जगदम्बा नहीं है, क्योंकि दाढ़ी मूछ वाली है, नहीं तो असली जगदम्बा कौन है? है असली जगदम्बा तो ब्रह्मा ही है, परंतु दाढ़ी मूछ होने के कारण जगदम्बा है नहीं जिसकी पूजा होती हो, वो ही ब्रह्मा। जब स्त्री चोले में प्रवेश करती है, कोई माता में प्रवेश करती है तो जगदम्बा के रूप में पूजी जाती है, तो वो भी रजो प्रदान होने पर अलग हो जाती है। अब तुम हो प्रवृत्ति मार्ग के पक्के, तुम निवृत्ति मार्ग में तो रह न सको, तो किसकी बुद्धि में पहले आएगा? कौन सी पार्वती की बुद्धि में पहले आएगा? कि ऐसी स्थिति, ऐसे स्थान का निर्माण होना चाहिए जो अमर लोक का फाउंडेशन बने, बीच में ही टूट फूट ना हो जाए। तो वो पार्वती ही निमित्त बनती है। किस बात के? है काशी नगरी आनंद कानन की स्थापना के लिए।